स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। फ्रेंड्स, हम बिहार का हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो बिहार के हिस्ट्री में एंशिएंट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद मेडाइवल डिस्कस कर चुके हैं, उस पर बेस्ट एमसीक्यू भी कर चुके हैं, अभी मॉडर्न कर रहे हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद स्वराजिस्ट मूवमेंट, फिर साइमन कमीशन जो आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखेंगे कब तक हो, कहाँ तक होता है। उसके अलावा हम ट्राई करेंगे CDM भी डिस्कस करने का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे किसान सभा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट इन बिहार, और उसके बाद यही है, इतना ही है। उसके बाद QIM जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ बिहार से रिलेटेड, जो आधुनिक भारत में, ऐसा आधुनिक भारत जो बिहार से रिलेटेड है उसको डिस्कस करें, क्योंकि इंडिया का आधुनिक भारत आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, आप ऑलरेडी भर चुके हो, तो दोनों कराना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मॉडर्न हिस्ट्री फिर से कर चुके हो, फिर से करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हम सिर्फ बिहार का कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करने हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में जानते हैं। बैकग्राउंड में आपको पता है कि बिहार की मिट्टी बहुत उपजाऊ हुआ करती है, ठीक है ना, क्योंकि एलुवियल सॉइल है वहाँ पे, गंगा रिवर, तो वहाँ पे इंडिगो की खेती करवाते थे इंग्लैंड, जो अंग्रेज़ थे वो इंडिगो की खेती करवाते थे, ठीक है ना। क्या होता था तो उस समय, और पीजेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि तिनकठिया सिस्टम था कि हर ट्वेंटी जो कट्ठा ज़मीन होता है उसमें से 3 कट्ठा पे इंडिगो की खेती करना था, ठीक है ना। तो वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होता था, लोगों को प्रॉब्लम क्या होता था, लोग क्योंकि एक बार ही जिस खेत पे कर लिए वहाँ की प्रोडक्टिविटी क्षमता तो बिल्कुल चली जाती थी, तो यहाँ से लोग प्रॉब्लम थे बहुत। तो इसको लेके उस एरिया के एक थे राम राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के पास गए और गांधी जी को बोले कि सर चलिए आप थोड़ा देखिए, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको फिर कुछ ना कुछ कीजिए, उसका हल निकालिए। क्योंकि गांधी जी अब आ चुके थे, 1915 में गांधी जी आ चुके थे, तो गांधी जी स्टार्टिंग में किसी पॉलिटिकल पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल तो नहीं हुए, वो पहले देखना चाहते थे इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। इसी तहत पे राजकुमार शुक्ला ने उनको बुलाया कि देखिए सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है सब। अब चलिए डिस्कस करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जब महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। उसके अलावा गांधी जी चंपारण में, खेरा में या अहमदाबाद में भी सत्याग्रह किया था, ठीक है ना। ठीक है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी का पॉपुलर टूल था, गांधी जी के पास बहुत टूल थे, जैसे NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ये सब गांधी जी के अस्त्र शस्त्र थे। तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ल जी ने इनवाइट किया गांधी जी को कि सर इंडिगो जो प्लांटर है उनके बहुत सारे प्रॉब्लम है, चलिए आप देखिए, ठीक है ना। यूरोपियन प्लांटर हैज़ बिन फोर्सिंग द पेजेंट टू ग्रो इंडिगो, मतलब उन पर फोर्स कर दिया था, एक 3 कठिया सिस्टम फोर्स कर दिया था कि आपका 3/20 पार्ट जितना आपके पास लैंड है उसका 3/20 पार्ट पे, जैसे मान लो 20 एकड़ ज़मीन है तो उसमें से 3 एकड़ ज़मीन पे आपको इंडिगो की खेती ही करनी होगी। तो यहाँ पे बताया जाए एट द एंड ऑफ 19th century के अंत तक जर्मन सिंथेटिक डाई ने रिप्लेस कर लिया था इंडिगो की, क्योंकि इंडिगो अच्छी होती थी तो जर्मन जो सिंथेटिक डाई था उसको ख़त्म कर दिया था, अब इंडिगो आ गया था। इसके कारण क्या होता था कि दिस लेड टू फर्दर कोअर्जन ऑफ पीजेंट इन द रीजन, सिंस यूरोपियन प्लांटर डिमांडेड ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेंट वसूलते थे, इलीगल ड्यू फ्रॉम द पिजेंट सो दैट मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, मतलब कैसे न कैसे करके कितना यातना कर करके अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे, चाहे पिजेंट कितना है प्रॉब्लम हो। अब गांधी जी यहाँ पे आते हैं। गांधी जी ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया, पहला सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया यहीं पे 1917 में, ठीक है ना। तो गांधी जी के साथ बहुत लोग मिल गए यहाँ पे, गांधी जी के साथ इसमें मिल गए राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह जिनका आपने बहुत नाम सुना होगा, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहारी परिख एंड JB कृपलानी, इन्होंने गांधी जी के साथ मिल गए और बहुत लंबे समय तक गांधी जी के साथ रहे, क्योंकि गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए ये लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, दिस लीडर इन चंपारण अलॉन्ग विद गांधी स्टार्टेड नोवल टेक्निक, क्या अपनाए कौन सा, गांधी जी के बहुत सारे टेक्निक थे ना, NCM, सत्याग्रह, ठीक है, उसमें से एक टेक्निक था सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब है कि उनके जो लॉ है, उनके जो कानून है उसको फॉलो ही नहीं करो, मतलब ऐसा कानून किस काम का जो लोगों को
प्रॉब्लम ही में ही पहुंचाए, लोगों को कोई फ़ायदा ना दे, तो ऐसे कानून को मत मानो, ठीक है ना। पैसिव रेसिस्टेंस अगेंस्ट एट्रोसिटीज, ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ हम हथियार उठा लेंगे, हम उनके काम में साथ ही नहीं देंगे, हम उनके रूल एंड रेगुलेशन को मानेंगे ही नहीं। इसके बाद जो ब्रिटिश के ऑफिसर थे उनको वो भी प्रॉब्लम आ गए, उन्होंने एक कमेटी इस्टेब्लिश की ताकि कमेटी देख सके कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उस कमेटी में गांधी जी को तो मेम्बर बनाना ही था। गांधी जी और इन लोगों को देखो, और फिर उसके बाद गांधी जी के साथ मिलकर उस कमेटी ने क्या की, पूरा इंक्वायरी किया, फिर देखा कि कितना ज़्यादा एट्रोसिटीज़ किया गया है लोगों पे, पेजेंट पे, कितना ज़्यादा ये जो तिनकटिया सिस्टम कितना भयानक है, लोगों पे इतना ज़्यादा एट्रोसिटीज़ किया जाता है। तो इसके बाद गांधी जी इन लोगों को मनाने में कामयाब हो गए कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हटना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, एज ए कम्प्रोमाइज विद द प्लांटर गांधी जी एग्री डेट ओनली 25% ऑफ मनी टेकन शुड बी कम्पनसेटेड। उसके बाद द प्लांटर एज ए रिजल्ट वो एक डिकेट के अंदर वहाँ से लेफ्ट हो गए और गांधी जी की पहली विजय हो गई। तो इसमें से हमें याद क्या रखना है, इसमें से रखना है कि पहला CDM था कहाँ पे हुआ, सत्याग्रह में। उसके बाद राजकुमार शुक्ला की बात करते हैं, ठीक है ना, राजकुमार शुक्ला का कई बार एक नाम आता है कि उन्होंने बुलाया था। उसके बाद क्योंकि जर्मन सिंथेटिक डाई का मांग कम गया था इसलिए इंडिगो आया था। उसके बाद ब्रिटिश ने एक कमेटी बैठाई जिसमें गांधी जी को मेम्बर बनाया ताकि गांधी जी बता सके, गांधी जी मतलब निकाल सके कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो इस समय तीन मेन प्रॉब्लम थी, एक क्या प्रॉब्लम थी, तीन मेन प्रॉब्लम थी, क्या क्या क्या, खिलाफत, रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें। सबसे पहले खिलाफत क्या था, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें टर्की की हार हो गई, ठीक है ना। तो उसमें टर्की की हार गई तो टर्की के उसमें राजा थे उनको खलीफा बोला जाता था, ठीक है ना। तो जैसे ही हटा दिया गया उसको तो पूरे मुस्लिम कि खलीफा मतलब होता है जो पूरे मुस्लिम का सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा मुस्लिम का संरक्षक, तो पूरे मुस्लिम जगत में मतलब वो मच गई कि चलो आपने हटा कैसे दिया, आप जल्दी से उसके लाओ। तो एक तो इंडिया के जो मुस्लिम लीग इसलिए गांधी इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में साथ आई कि वो चाहते थे जो अंग्रेज़ों ने जो खिलाफत मूवमेंट किया है, जो खलीफा को हटाया, फिर से इस्टाब्लिश किया जाए खलीफा को, तभी हम चुप बैठेंगे, नहीं तो नहीं चुप बैठेंगे। और सेकंड था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था कि किसी को बिना कोई जैसे नॉर्मल क्या होता है, अरेस्ट कैसे होता है, पहले आप ट्रायल चलती है फिर अरेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें बिना ट्रायल के भी अरेस्ट वगैरह हो सकते थे, ठीक है ना। कोई भी अंग्रेज के खिलाफ बोला उसको अरेस्ट कर लो। थर्ड थी जालियांवाला बाग। इस रॉलेट एक्ट जब आया था ना, रॉलेट एक्ट, तो इसके तहत पंजाब में कुछ लोग बोले थे, पंजाब के कुछ लीडर बोले थे, जैसे सैफुद्दीन खिचवी एक करके नाम आता है, तो उन्होंने बोले थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इनके अरेस्ट को छुड़वाने के लिए जालियांवाला बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस पर जालियांवाला बाग में आके जनरल डायर ने गोली चलानी शुरू कर दी। अब लोगों को तीन प्रॉब्लम एक साथ हैं, तीन प्रॉब्लम कौन कौन, खिलाफत, रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। अब इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1922 में। तो इसमें बताया गया है कि पॉपुलर लोग, अब बिहार के लोग इतने खुश क्यों थे गांधी जी आगे, बिहार के लोग को अभी तक इतनी खुशी नहीं मिली थी। बिहार के लोगों को लगता था कि यार गांधी जी के पास कोई ना कोई आइडिया तो है, गांधी जी के पास कोई ना कोई आइडिया तो है, जैसे कि वो इंग्लैंड को डिफीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद द बिहार कांग्रेस का प्रोविंशियल मीटिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो होता था, उसमें जो बिहार वाला जो कांग्रेस था है ना, उसका पार्ट जो होगा उसका प्रोविंशियल, हर राज्य में भी धीरे धीरे बन गया था ना, तो बिहार कांग्रेस का जो प्रोविंशियल मीटिंग हुआ 1920 में, उसके लीडरशिप तो उसके लीडर थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने स्ट्रेस जताया कि जरूरत तो भाई नॉन कोऑपरेशन की जरूरत तो है। तो उसने क्या किया, इन दिस मीट द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, धर्मेंद्र प्रसाद एंड शेर शाह जुबैर ये सब प्रोड्यूस किया। उसके अलावा और लोग थे जो गोरख प्रसाद या गुलाम इमाम, इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, शाह मोहम्मद जुबैर ये सब लोगों ने एक कमेटी इस्टेब्लिश की, ठीक है ना। तो अभी तक क्या हुआ,
अभी तक इनको पता चलेगा कि गांधी जी के पास ऐसा कोई ना कोई आइडिया है जो हटा देंगे। तो फिर बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस स्टाफ बैठा कब, 1920 में, अगस्त 1920 में, राजेंद्र प्रसाद उसको प्रेसाइड कर रहे थे, ठीक है ना, समझ गए। उसके बाद क्या होता है, नेशनल कॉलेज एज एन अल्टरनेट अरेंजमेंट वॉज एस्टाब्लिश विद राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रिंसिपल ऑफ पटना गया रोड। गांधी जी, ठीक है ना, एक तो नेशनल कॉलेज बना, उसके बाद गांधी जी विजिट करते 1920 में, ये अब तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और गांधी जी जो छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखते थे कि पंचायत पे वाइन वगैरह पे नहीं होना चाहिए, तो उसने सबसे पहले वाइन वगैरह को बंद करवाया, कहाँ पे, भागलपुर वगैरह इलाके में, ठीक है ना। उसके बाद गांधी जी ने क्या करवाया, फरवरी 1921 में बिहार नेशनल कॉलेज बनवा को इनागोरेट करवाया, और उसका बिल्डिंग जो था बिहार विद्यापीठ वाला उसको, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, फर्दर मजहर उल हक इन सितंबर 1920 एक मदरलैंड न्यूज़पेपर प्रोपेगेट करते ताकि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी किया जा सके और गांधी जी के आइडियोलॉजी को फैला सके। ध्यान देना, बहुत बार कई बार आ चुका है कि मदरलैंड न्यूज़पेपर जो है वो किन्होंने इस्टाब्लिश किया, किन्होंने स्टार्ट करवाया, मजहरुल हक, कब, सितंबर 1921 में, ताकि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया जा सके और गांधी जी की आइडियोलॉजी को फैलाया जा सके। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश प्रिंस विजिट करते बिहार और सब लोग बहुत ज़्यादा अपोज करते। तो इस पूरे एनसीएम को हम समझें तो तीन प्रॉब्लम था, खिलाफत, रौलट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद बिहार के लोगों का पॉपुलर बिलीव था कि गांधी जी को पता है कि अंग्रेज को कैसे हराना है, इसलिए गांधी जी के साथ हो गए सब, ठीक है ना। उसके बाद बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस 1920 में मीट करता है, राजेंद्र सभा उसके प्रेसाइड करते, बहुत लोग और मिल जाते हैं, धर्मेंद्र प्रसाद, जुबैर वगैरह। उसके बाद गांधी जी विजिट करते हैं 1921 में, जहां पे भागलपुर के लिक्विड शॉप वगैरह को बंद करवाते हैं। उसके बाद वो बिहार नेशनल कांग्रेस कॉलेज था उसको इनागोरेट करते हैं, और उसके बिल्डिंग जो विद्यापीठ था उसको भी। उसके बाद मजहरुल हक जो कि सितंबर 1921 में एक मदरलैंड नाम का न्यूज़पेपर चलाते हैं ताकि वो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को फैला सके और गांधी जी के आइडियोलॉजी को और ज़्यादा प्रोपागेट कर सके। उसका 1920 में जैसे ब्रिटिश प्रिंस बिहार विजिट करते हैं तो पूरा उसका अपोजिशन किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है स्वराजिस्ट मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था, ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन, ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ प्रोविंशियल कांग्रेस का सेशन नहीं है, ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन है, जो कि हर साल होती थी ना, कुछ सालों को छोड़ के जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन होती थी, उस वहाँ वो सेशन हुआ 1922 में दिल्ली, दिसंबर 1922 में, कहाँ पे हुआ, गया में। कई बार क्वेश्चन अब आ चुका है, एकदम दिमाग में बैठा लो, गया में। और इसको प्रेसाइड कौन करते, सी आर दास, यानी चित्रंजन दास, ठीक है ना। इस सेशन में दो फैक्शन में बैठ गए थे, वन जो बोलते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री चाहिए, और दूसरा जो चाहते थे गांधी। देखो हुआ क्या था एक्चुअली, जब आपको पता है चौरी चौरा कांड के बाद जैसे ही ये ख़त्म हो गया था, एनसीएम ख़त्म हो गया था, नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। अब जो जैसे मेन लीडर अरेस्ट हो गया, भाई मेन लीडर गांधी जी अरेस्ट हो गया, लोगों को पता ही नहीं चला था क्या करें। तो यहाँ पे गांधी जी रहते तो ये दो फैक्शन में ब्रेक नहीं होता, तो यहाँ पे दो लोग दो टुकड़ी में बैठ गए। एक लोग चाहते थे कि गांधी जी के पाथ पे फॉलो करते हैं और हम जो गांधी जी के पास, मतलब जो लोगों का प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि कैसे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है, कैसे मूवमेंट को सस्टेन करना है, या जो बीच का काम होता है ना, मूवमेंट ख़त्म होने के बाद जो लोगों को समझाना, सिखाना, लोगों के प्रॉब्लम देखना, ये सब देखते हैं। लेकिन एक लोग चाहते थे कि नहीं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहते ताकि हम वहाँ जाके ब्रिटिश को ठीक से काम नहीं करने दें, और क्या कर सकते हैं, जो ख़राब एक्ट वगैरह होगा, ख़राब बिल वगैरह होगा, हम उसको पास ना होने दें। तो दोनों का क्या काम था, एक तरफ था जो चाहते थे हम जाना चाहते थे कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और एक तरफ वो लोग थे जो चाहते थे कि नहीं, हम ऐसे ही रहना चाहते थे। जो जाना चाहते थे उनको स्वराजिस्ट बोलने लगा, और एक जो तरफ जो चेंज नहीं होना चाहते थे उनको बोला जाने लगा नो चेंजर्स, वो थोड़ा भी चेंज नहीं होना चाहते थे, जैसे पटेल, सी राजगोपालाचारी, ये सब लोग थे। उसके बाद होता क्या,
जो द फॉर्मर वेर लेड बाई सी आर दास, फॉर्मर का मतलब कौन, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहते उसमें सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू, अजमल थे, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट था जो चाहते थे हम लोगों को समझाना चाहते थे, वो वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, एम ए अंसारी। तो इसको नो चेंजर्स बोलते थे, ऊपर वाले को स्वराजिस्ट बोलते थे, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास फॉर्म स्वराज दल, ध्यान देना ये कई बार पूछा आ सकता। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ये दोनों मिलके स्वराज दल बनाया। और उसके बाद नारायण प्रसाद द फर्स्ट चेयरमैन एंड अब्दुल बारी वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी, कहाँ के, बिहार के भाई, इंडिया के नहीं, बिहार में जो स्वराज दल था, बिहार की जो सोशलिस्ट स्वराजिस्ट पार्टी थी, मतलब इस पार्टी का चेयरमैन बनाया गया था नारायण प्रसाद को, अब्दुल बारी को सेक्रेटरी बनाया गया था। लेकिन बिहार में ज़्यादा लिमिटेड, मतलब लिमिटेड इन्फ्लुएंस था इसका। 1923 में एक ब्रांच ऑफ स्वराज दल वॉज फॉर्मड इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्णा सिंह, इट वॉज नॉट वेरी इफेक्टिव इन बिहार, ठीक है ना, नहीं हुआ ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे साइमन कमीशन, और उसका दो तीन टॉपिक बचा है, उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।